हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ट्रिक टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इस ट्रिक को जानने से पहले सबसे पहले आप जानेंगे कार्बन आयन बनता किस तरीके से है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल हम लेते हैं, लेट अस से किसी तरीके से, इस लेट अस से अपने पास एक कीटोन है। मान लीजिए किसी बेस की प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में, इस अल्फा पोजिशन से एक एच निकल जाता है। ये OH माइनस इस एच को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे OH में बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन पर वापस इस कार्बन को मिलता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है? कार्बन आयन। तो कार्बन आयन मतलब कार्बन का एनायन, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी ऑक्टेट जो होगी दैट विल बी कंप्लीट। ऑक्टेट इसकी कंप्लीट रहेगी एंड इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, बल्कि इलेक्ट्रॉन हम रिच की बजाय बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है। यानी ये दो इलेक्ट्रॉन जो पहले शेयरिंग में थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एच का जो था, वो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया है। यानी इट हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किस तरह के ग्रुप करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो गर्ल्स एंड बॉयज, आपने समझा कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगाने पड़ेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। आइए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब देखिए, सिंपल एग्जाम्पल में हमने लिया है सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन आयन, देन वी हैव टेकन 2 डिग्री कार्बन आयन, देन वी हैव टेकन 1 डिग्री कार्बन आयन। अब देखिए, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करता है। तो अगर वो प्लस आई शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी वो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगले केस में देखते हैं। अगले केस में इस नेगेटिव चार्ज को 2 मिथाइल इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, यानी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, पर उतना नहीं घटाएंगे जितना 3 डिग्री में नुकसान हो रहा है। और 1 डिग्री में देखिए तो एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आपने देखा, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ए, बी और सी में 1 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 3 से ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। इस अगले एग्जाम्पल में ये पहले जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी। अगले केस में आपने देखा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज तो होगा लेकिन 2 कार्बन एटम पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगले केस में नेगेटिव चार्ज उल्टा डीस्टेबलाइज होगा। तो ए, बी और सी में सबसे स्टेबल हुआ ए, देन बी एंड देन सी। अब देखिए, अगले एग्जाम्पल में हमारे पास 3 तरह के कार्बन आयन है। पहला कार्बन आयन जो है वो डाइकीटो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। डाइकीटो मतलब 2 कीटोन इसके अंदर प्रेजेंट है। अगला जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इट इज़ मोनोकीटो, एंड द नेक्स्ट वन इज़ नोन एज कीटो एस्टर। इसमें एक तो कीटोन है और एक एस्टर ग्रुप है। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल होता है डाइकीटो, बिकॉज नेगेटिव चार्ज को ये सी डबल बॉन्ड हो डीलोकलाइज करके स्टेबलाइज करता है। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन से ओ पे जाता है, और आप सभी को पता है ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव चार्ज जब ओ पे आता है तो रिलेटिवली मच स्टेबल होता है। यही प्रोसेस राइट में भी होगा, तो हेंस इट इज़ हाईली स्टेबल। मोनोकीटो वाले केस में ये पॉसिबिलिटी एक ही बार हो पाएगी, हेंस स्टेबिलिटी इसमें भी बढ़ेगी, पर डाइकीटो जितनी बिल्कुल भी नहीं होगी। कीटो एस्टर में अगर देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी डाइकीटो से तो कम होगी, मोनोकीटो से ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट केस में कीटोन से रेजोनेंस तो कर जाएगा, पर एस्टर इसको स्ट्रॉन्ग माइनस आई से ही स्टेबलाइज कर पाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर ओ का लोन पेयर सी ओ के साथ ऑलरेडी रेजोनेंस में होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ए की, देन इट इज़ सी, देन इट इज़ बी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। अगले एग्जाम्पल में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा पाई के साथ, तो इसको रेजोनेंस कराइए, और नेगेटिव चार्ज पहले ऑर्थो पोजिशन पर आएगा, फिर ये फर्दर रेजोनेंस करके पैरा पे आएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा तो एनोटो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके माइनस एम एंड माइनस आई को शो करके उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, यानी इसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
अगले केस में मिथाइल प्लस आई शो करेगा तो उसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। और ओ सी एस थ्री क्या करेगा, ओ सी एस थ्री के पास लोन पेयर होने की वजह से जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो ए बी और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, देन इट इज बी, देन इट इज सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में पहले केस में जो रिंग आपको दिखाई दे रही है ये पर्टिकुलर रिंग है एरोमेटिक, विच इज अ हाईली स्टेबल स्पीसी बिकॉज ये लोन पेयर यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस कर रहा है और इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो स्पीसीज एरोमेटिक, तो ए इज मोस्ट स्टेबल। अगर बी को देखें तो बी रेजोनेंस कर रहा है पर ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसके बाद स्टेबिलिटी आएगी बी की। और जो सी है ये रेजोनेंस करके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली हाईली अनस्टेबल। आई होप ये कंसेप्ट आपको पहले से आता है तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर ये आपको नई आइडिया लग रहा है तो आप वो वीडियो को देखिए जिसमें मैंने एरोमेटिसिटी को समझा रखा है। सो गाइज, इन दीज वीडियोज यू हैव लर्न अबाउट द कार्बन एंड फॉर्मेशन विच इज फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है विच इज इलेक्ट्रॉन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन रिच पीसी, जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसको स्टेबलाइज करेगा और डोनेट वाला क्या करेगा, नुकसान करेगा। फिर हमने देखा कैसे रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज करता है और फाइनली हमने एरोमेटिसिटी देखा कि एरोमेटिसिटी कैसे उसको स्टेबलाइज करता है। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा, दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इजी। CCl3O नेगेटिव एंड CF3O नेगेटिव, तो इन दोनों में कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा स्टूडेंट्स, तो CF3 का माइनस आई ज़्यादा होने की वजह से वो इस O नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू हैड फन वाइल वॉचिंग दिस एंड योर कंसेप्ट आर क्लियरर। सो गाइज प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।